सनी आपके लिए इंग्लिश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद राजस्थानी, कितना डिफिकल्ट था? वन बाय वन आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो बॉलीवुड में आप क्या चाहते हैं? आई मीन हिंदी सीखना वॉज नॉट एग्जैक्टली ईजी, पर मैं सब कुछ समझती थी क्योंकि मेरे बोथ माई पेरेंट्स पंजाबी थे, हम घर में पंजाबी बोलते थे, सो दैट पार्ट वॉज ईजियर. हम हिंदी मूवीज़ देखते थे, सो आई वुड अंडरस्टैंड अबाउट 80-90% जब मैं आई थी, सो उसके वजह से आई डिडंट हैव एज अ हार्डर टाइम. राजस्थानी लैंग्वेज तो दूसरा प्लैनेट में है. नहीं की क्योंकि अरे मुझे खुद को तो राजस्थानी आनी चाहिए. यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम ही है कि हर 100 किलोमीटर के बाद हमारी हिंदी लैंग्वेज बदलती रहती है. यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किए तो गुजराती की हिंदी अलग रहती है, फिर उधर से पंजाब गए पंजाब की हिंदी अलग होती है. तो इट इज डिफिकल्ट. मतलब मैं थोड़ी कोई टूरिस्ट गाइड की तरह हर सिटी में गया हूँ कि मुझे भी आए. Yeah. So it wasn't easy Rajasthani language learn karne ke liye. But mere paas bahut log the that were helping me. Lines to main I learned them. But sabse difficult tha wo Leela ka character, wo lines ke wo karna tha ki acting karni thi. And lines to aa gaye the, but how to walk like Leela, talk like Leela, जैसे वो hand gestures कैसे walk करती थी, ये मेरे लिए वो natural नहीं था. And then on top of it, line delivery. So, कुछ small चीज़ें they were very very difficult. But at the end of it, इतना hard काम, इतना मेहनत के बाद, I watched the movie and I love it. जी आपसे जानना चाहेंगे इस मूवी के पूरे मूवी का जो स्टोरी समरी के बारे में जानना चाहेंगे. समरी बताइए इस मूवी का जो स्टोरी उसके बारे में समरी बताइए. एक्चुअली हमने हम सारे एक्टर्स ने डिसाइड किया था कि हम एक्चुअली स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. एंड रीज़न यही है कि इस फिल्म का नाम हम लीला भी रख सकते थे. हमने एक पहेली इसलिए रखा है बिकॉज एक पहेली है उसके अंदर जो ऑडियंस को सॉल्व करनी है. हमने क्लूज भी दिए हैं इस फिल्म में शुरू में. अगर आप उस फिल्म को ध्यान से देखेंगे और अगर समझो एक एक डायलॉग्स को अगर ध्यान से सुनेंगे, आप शायद क्रैक कर सकते हैं कि आखिर में एंड में हो क्या रहा है, क्या होगा, ये सब आप कर सकते हैं. सो इसी रीज़न से हम चाहते हैं कि ऑडियंस एक ब्लैंक पेपर लेके जाए और ख़ुद वो सॉल्व करते रहे कि कैसी ये चीज़ बन रही. तो इसीलिए ना आज तक मैंने कभी बताया इस फिल्म के बारे में कि क्या हो रहा है, ना सनी ने बताया. We've given the basics. basics ये reincarnation story है. जे का character, जे उसको बुरे सपने आते हैं. लीला कौन है, लीला कौन है, लीला कौन है. एंड देन उस जर्नी में मेरा पैरेलल जर्नी है. एंड मैं प्रिंस को मिलती हूँ, हमारा प्यार होता है, वी फॉल इन लव, मैं प्रिंसेस बनती हूँ. एंड दिस इज अ वेरी फास्ट वर्जन. एंड थ्रू दैट हम पास में जाते हैं और दिस इज वेयर Jay's character finds out Leela कौन है. Right. आपके डायलॉग काफी फेमस चल रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, बोल के दिखा दीजिए. Leela नाम है मारा, Leela. अरे जय, आपको इसमें कौन सा सॉन्ग काफी पसंद आया इस लीला में? मुझे पर्सनली अगर आप कैमरा रोल कर रहे हैं तो मुझे तेरे बिन पसंद है क्योंकि वो मेरा फेवरेट है. और अगर समझो अगर आप ऑफ कैमरा पूछेंगे तो मुझे इनका ग्लैमरस अखियाँ जो राजस्थान में जो शूट किया गया था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोरियोग्राफी जो जिस तरह से शूट किया गया था बहुत ही ब्यूटीफुल था. एक साइड पे पूरे राजस्थानी लोग खड़े थे, एक साइड पे सारी लड़कियाँ खड़ी थी और राजस्थानी लड़के सब ऐसे खड़े थे और फिर में लड़कियाँ सारी ऐसे स्टेप्स कर रही थी. तो काफ़ी एक यूनिक स्टेप आइडिया था ये. मेरा फेवरेट गाना इज़ डोली तारा क्योंकि मैंने ऐसा सॉन्ग कभी किया नहीं. एंड हैविंग अ सॉन्ग दैट इज़ सो इंडियन एंड सो डिफरेंट और वो पैसलुक में भी था. सो मैं लीला थी जब मैं ये सॉन्ग बनाया. सो आई लव्ड हंड्रेड्स ऑफ डांसर्स, कलर्स, लोकेशंस, जो जितने लोग यूज़ किए, उसके बैकड्रॉप्स, उसका कैनवस इतना बड़ा था. सो इसलिए मुझे वो सॉन्ग सबसे अच्छा है. चलिए जाते जाते आप दोनों से जाना चाहेंगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके पास? मैं तो हमेशा कहता हूँ आज आप कहिए कुछ. ओके, मेरा शॉर्ट वर्जन होगा. प्यार से बोलिए. हाँ, प्यार से हैप्पी 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 डांस के साथ. आई रियली वांट सब लोग, सब व्यूअर्स को ये मूवी 10th of April को देखे, एक पहली लीला. एंड मैं चाहती हूँ दैट यू एंजॉय द मूवी, नॉट ओनली सॉन्ग्स के लिए बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ जय. नो मतलब ये अभी क्या हो रही है, ज़्यादा मॉडर्न बन रही है. पोस्टर में तो ये है.
तो ये भी जानती हैं कि यू नो लोग मुझे देखने आने वाले हैं, तो मैं तो मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं, मुझे मालूम है कि आप इनके लिए देखने वाले हैं। नो, इनके लिए आएंगे, हाँ, राइट? लेकिन बस वो उनको देखते देखते अगर फुर्सत मिल जाए तो याद रखना उसके बाजू में एक लड़का भी खड़ा रहेगा जय भानुशाली करके, उनको भी देख लेना जरा। थैंक यू।